नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। बोकारो जिले के बेरमो प्रखंड के धमधरवा गांव के कुंबा टुंगरी और सिरगेट नाला के समीप पुलिस तथा नक्सलियों के बीच सोमवार देर रात मुठभेड़ हो गई। मिथिलेश दस्ता और पुलिस की संयुक्त टीम के बीच मुठभेड़ में दोनों तरफ से करीब 500 राउंड फायरिंग हुई है। हालांकि इस मुठभेड़ में किसी तरह की जान माल की क्षति की सूचना नहीं मिली है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मिथिलेश दस्ता अपने दस्ते के साथ धमधरवा गांव के आसपास स्थित जंगल में मौजूद है। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के पहुंचते ही नक्सली की तरफ फायरिंग शुरू हो गई। इसके बाद पुलिस की संयुक्त टीम ने मोर्चा संभाला और दोनों तरफ से तबाड़तोड़ 500 राउंड फायरिंग हुई। हालांकि रात को जंगल का फायदा उठाते हुए नक्सली फरार हो गए। पुलिस की ओर से इलाके में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। सर्च अभियान में CRPF एवं सशस्त्र पुलिस बल के जवानों के साथ ही डॉग स्क्वायड भी शामिल है। उल्लेखनीय है कि बेरमो अनुमंडल के नक्सल प्रभावित चत्रोचट्टी और जगेश्वर बिहार थाना के जंगली क्षेत्र में 25 लाख के इनामी नक्सली नेता मिथिलेश सिंह का सशस्त्र दस्ता लगातार सक्रिय है। इस दस्ते में करीब 20 सदस्य शामिल हैं। ये नक्सली अत्याधुनिक हथियारों से लैस है। खबर है कि नक्सलियों का ये दस्ता दोनों ही थाना क्षेत्र के अमन पहाड़, अम्बा नाला, कोयोटाण, कारीपानी, रोला, मोरपा, रजडेरवा, सुअर कटवा आदि क्षेत्रों में संगठन विस्तार को लेकर लगातार भ्रमण कर बैठक कर रहा है। साथ ही साथ पुराने साथियों से भी संपर्क में रह रहे हैं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।